आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। मैं आज आपके लिए बहुत ही क्रोशिया का खूबसूरत सा डिज़ाइन लेके आया हूँ। इसे आप किसी में भी डाल सकती हैं, आप इसे शॉल बना सकती हैं, कुर्ती बना सकती हैं, स्वेटर या बच्चों के टोपी में भी इस डिज़ाइन को डाल सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है, या इसका आप भी बना सकती हैं इसे। तो मैं उसी के लिए डिज़ाइन आपको बता रही हूँ। तो उससे सबसे पहले हम यहाँ पर 17 चेन लेंगे, यानी 17 चेन लेंगे। तो मैंने यहाँ चेन बना के रखा हुआ है, क्रोशिया नंबर 9 है और धागा मेरा 3 प्लाई। ये 3 प्लाई थोड़ा बहुत ज़्यादा पतला है, 1 3 प्लाई थोड़ा सी मोटी भी आती है और 2 प्लाई भी, एक होता है थोड़ा हल्का सा मोटा और एक होता है बहुत ज़्यादा बारीक। तो ये मीडियम साइज में है एकदम। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो 17 चेन मैंने लिया है, 2 चेन अब एक्स्ट्रा लेंगे हम। और जहाँ 17 चेन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हाथ रखेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2। अब जहाँ ये 17 चेन है यहाँ पर इस धागा लेके इस पर इस तरह से डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब हर चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए इसी तरह से करते हुए हम ये डबल क्रोशिया का लाइन पूरा कर लेते हैं। इसी तरह से पूरा कर लेंगे डबल क्रोशिया। तो देखिए ये डबल क्रोशिया का लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई राइट साइड। अब यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। इधर पलट जाएंगे। अच्छा, क्रोशिया डाला हुआ है, सॉरी यहाँ चेन बना हुआ है, यहाँ पे हम डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसे हम एक ही डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, इस चेन को हम नहीं काउंट करेंगे। फिर ये लेंगे और अगली वाली चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सॉरी, यहाँ से 5 डबल क्रोशिया बनाना है हमें, 1 2 हो गया। हर चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, 3। चार और ये 5, 5 डबल क्रोशिया बन गया। अब देखिए एक चेन लेंगे हम यहाँ पे और नीचे से काउंट करेंगे हम, 1 2 3 और ये चौथे चेन पे हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से नीचे से लेके बनाएंगे हम, यहाँ पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। फिर एक चेन लेंगे इस तरह से और यहीं पे एक बार और डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे यहाँ पे और यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए जहाँ हमने ये डाला है, 1 2 3 4, चौथी चेन में डालेंगे हम यहाँ से, 1 2 3 4 यहाँ पे डालेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। चार, 5, एक चेन एक्स्ट्रा हो गया। तो आप इसे स्किप भी कर सकती हैं, तो मैं इसे बुन लेती हूँ इस तरह से। फिर यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 3, इधर पलट जाएंगे। अब डिज़ाइन हमारी सीधे साइड से शुरू होगी, ये राइट साइड है और ये बैक साइड, इस तरह से लेंगे। अब अगली चेन में डालेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे अब हर चेन के ऊपर में एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हम। अब कोई भी चेन नहीं लेंगे, इस तरह से क्रोस पे धागा लेंगे और ये जो है हमने चेन बनाया था डबल क्रोशिया का, अब देखिए इस पर इस तरह से बुनाई करेंगे। यहाँ पे डालेंगे
और यहाँ पे देखिए क्रूस पे एक धागा लिए, तो हम इसे एक काउंट करेंगे, ये दो, फिर क्रूस पे धागा लेंगे, तीन, चार, ये पांच, क्रूस पे धागा लिए, ये छः, फिर धागा लेंगे, सात, टोटल नौ बार करना है, आठ, धागा लेंगे, और ये नौ। अब दो दो फंदे करके हम निकालेंगे, देखिए एक और दो, दो फंदे करके एक बार में निकालेंगे इस तरह से, क्रूस पे धागा लेंगे और दो फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरह से, ध्यान से देखिए, फिर इस तरह से लेंगे और इसके अंदर से पार करते हुए, चेन के अंदर से पार करते हुए दो फंदों को लेंगे एक साथ, दो को पार करेंगे, फिर ये दो फंदों को लेंगे, एक दो और ये एक, यानी इसके अंदर से पार करते हैं, इस तरह से, फिर दो फंदों को पार करेंगे, फिर दो, दो दो करके फंदे हमें निकालने हैं इस तरह से, देखिए फिर इधर पलट जाएंगे, और देखिए इसी के बीच में जो हमने एक चेन लिया हुआ है, तो यहाँ गैप है, तो यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से लेंगे, और यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाएंगे हम, एक, दो, तीन, और ये चार। जो बीच में हमारा दो डबल क्रोशिया था, एक में तो हमने बनाया है, और दूसरे भाग में भी हम सेम इसी तरह से बनाएंगे, इस तरह से लेंगे, ऐसे पकड़ेंगे इसे, देखिए, और एक हो गया ये धागा लेके हुए, यहाँ से काउंट करेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, और ये नौ, इस तरह से, फिर दो फंदे करके निकालेंगे हम, दो दो करके निकालना है हमें, दो फंदे निकाले, फिर दो निकाले, अब इधर पलट जाएंगे, इस तरह से लेंगे, देखिए इस तरह से बन जाएगा बटरफ्लाई या तो फ्लावर, कुछ भी कह लें आप इसे, धागा लेंगे और यहाँ जो पांच हमने डबल क्रोशिया बनाया है, इसके ऊपर से पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे हम, तीन चेन लेंगे, एक, दो और ये तीन, फिर इधर पलट जाएंगे, फिर जितने भी डबल क्रोशिया हैं सभी पे डबल क्रोशिया एक एक बनाना है हमें,
इस तरह से लेंगे, फिर अगली चेन में डालेंगे, यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है ये डिज़ाइन, आप एक बार ज़रूर बनाएं। और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आज का वीडियो आपको, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आप सबके लिए इतना मेहनत करती हूँ तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। यहाँ पे हमारी डिज़ाइन कंप्लीट होती है, देखिए इस तरह से ये बन गई। तो मैंने थोड़ा सा बना के रखा हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये बना हुआ है, तो इसमें मैंने बीच बीच में मोती रख दिया था ऐसे कि आप मोती भी लगा सकते हैं, तो बहुत खूबसूरत लगेगा। ये इस तरह से रख दें, मोती लगा देंगे। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। तो चलिए बनाइए, फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।